हम तो सेंचुरी का एम कर रहे हैं, तो होपफुली सेंचुरी आएगा। काफी अच्छा रिस्पांस है जहां भी जाएंगे लोगों से, तो हमें लग रहा है कि बहुत अच्छे मेजोरिटी से हम गवर्नमेंट में आएंगे वापस। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस को लोग विश्वास नहीं करते, इसीलिए उनको गारंटी देना पड़ रहा है। अदरवाइज उनको गारंटी देने का कोई जरूरत ही नहीं। आज राहुल गांधी ऑटो चलाने वालों से मिले, सैनिटरी वर्कर से मिले, उनको कहा कि हम सरकार में आएंगे, आप परमानेंट करेंगे। देखिए हम तो हमेशा हमारे ऑटो वालों से मिलते हैं, हमेशा हमारे सफाई कर्मचारी से मिलते हैं। राहुल जी तो नया नया मिल रहे हैं ना, तो उनको मिलना पड़ेगा, वो रॉयल प्रिंस है। हम तो आम आदमी है, सबके साथ रहने वाले है, तो हम तो हमेशा हमारे सफाई लोगों के साथ है, ऑटो ड्राइवर के साथ है, टैक्सी ड्राइवर के साथ है, हमारे स्टूडेंट्स के साथ है, हमारे फार्मर्स के साथ है। कांग्रेस पार्टी तो नया नया सब सीख रहा है, तो सीखने दीजिए उनको भी। अमित शाह कह रहे हैं कि अभी कार को गैरेज में भेजने का समय आ गया है, कार को गैरेज में भेजने का समय आ गया है। ऐसा कुछ नहीं होगा, कार का रफ्तार और बढ़ेगा, बहुत अच्छे से जीतेंगे। आप देखिए कितनी सीटें जीतेगी, हम तो सेंचुरी का इरादे से काम कर रहे हैं। प्रचार कैसा रहा, क्या अनुभव रहा? पूरा 30 दिन एक फेस्टिवल के जैसा, हर एक रैली एक विक्ट्री रैली के जैसा, बहुत प्यार के साथ लोगों ने रिसीव किया, बहुत ही अच्छा लगा। एंटी कंपनसी थी? नॉट रियली, कहीं कहीं किन जिन लोगों को स्कीम नहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि लिमिटेड जहां पे दिया गया, जैसे दलित बंधु दिया है एज एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने 1100 दिए थे, तो बाकी लोगों को जिनको नहीं मिला उनको लग रहा था कि हमें भी जल्दी मिलना चाहिए, बट उसके अलावा ऐसा कहीं भी नहीं था कि गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं है। गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा विश्वास है, वो हमसे कह रहे थे कि हमें भी जल्दी दे दो, बस ये नहीं कह रहे थे कि हमें कब आएगा कब नहीं आएगा।